तो गाइस रॉयल रंबल से पहले का आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड तो हो चुका है खत्म, बट अब बारी है रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट की, जहां पर हमें देखने को मिलने वाला है मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। उसमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं, रोमन रेंज डिफेंड करने वाले अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, इसके अलावा और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाले मैचेस की विनर प्रेडिक्शन, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग रॉयल रंबल में होने वाले मैचेस में किसकी किसकी जीत देखने को मिल सकती है। एंड यस, आप सभी जरूर से नीचे कमेंट कर अपनी प्रेडिक्शन बताना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत अपने अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से कर लेते हैं, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट के बीच एक फैटल फोर वे मैच। तो जैसा कि आप सब जानते ही हो, एले नाइट, एजे स्टाइल्स एंड रैंडी ऑर्टन तीनों को चाहिए थी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी, बट रोमन रेंज ने इनके नंबर वन कंटेंडर मैच में अपनी इंटरफेरेंस की थी, जिसकी वजह से निक एल्डिस ने इस फैटल फोर वे मैच को कर दिया ऑफिशियल रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। यानी कि यहाँ पर रोमन रेंज के पास से चैंपियनशिप जाने के लिए उन्हें पिन होने की जरूरत नहीं है, कोई और भी किसी और को पिन करके जीत सकता है चैंपियनशिप। बट बात कर ली जाए कि हमें इस मैच से कौन एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बाहर निकलते हुए दिखने वाला है, तो आप सबको पता ही है अगर कोई न्यू चैंपियन बन सकता है तो उसके चांसेस है कि वो होने वाले हैं दी वाइपर रैंडी ऑर्टन। एंड इस मैच का विनर पूरी तरह से डिपेंड करने वाला है मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर से, इसलिए इस मैच के बाद भी हमें एक काफी बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में मैं एंड में आप सबको बताऊंगा। बट अभी के लिए मेरे प्रेडिक्शन की बात की जाए, देन मेरे अकॉर्डिंग इस मैच में रोमन रेंस रिटेन करने वाले हैं अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और रोमन रेंस का नेम मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि रोमन रेंस रेसलमेनिया में अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप लेकर जाने वाले, इसके चांसेस काफी ज्यादा है बिकॉज वो अगेन मेन इवेंट करने वाले इस साल के रेसलमेनिया को, चाहे उनका मैच हो कोडी रोड्स के साथ या फिर हो दी रॉक के साथ। एंड यस, जैसा कि मैंने कहा कि इस मैच में हमें एक सरप्राइज देखने को मिल सकता है, जो कि पूरी तरह से डिपेंड करने वाला है मेंस रॉयल रंबल मैच पे, तो उसके बारे में मैं आप सबको एंड में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। जैसा कि गाइस, लोगन पॉल एंड केविन ओवेंस की फ्यूड की स्टार्टिंग हमें एक तरह से होते हुए दिखी थी रेसलमेनिया 37 में ही, और इस स्मैकडाउन में लोगन पॉल ने ऐसा कहा ही था कि वो WWE में इसलिए आए ताकि वो अपने इस बेइज्जती का बदला ले पाए, और उन्हें ये मौका मिलने वाला है रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में। वहीं आप सबको पता है केविन ओवेंस एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि रोमन रेंस को लिमिट तक लेके गए हैं, यानी कि उनके भी चांसेस डेफिनेटली से है कि हमें वो न्यू चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं बात कर ली जाए मेरी प्रेडिक्शन की, देन गाइस मेरे अकॉर्डिंग लोगन पॉल हराने वाले हैं केविन ओवेंस को, और वो रिटेन करने वाले हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और इसके पीछे रीजन ये है कि ये लोगन पॉल का फर्स्ट टाइटल डिफेंस होने वाला है, और जैसा कि आप सबको पता ही है लोगन पॉल के हमें काफी कम WWE में मैचेस देखने को मिलते हैं, बट हम वो रेसलमेनिया का जरूर से पार्ट रहते हैं, सो इसके चांसेस है कि वो एज US चैंपियन ही जाने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग लोगन पॉल करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप रिटेन। और अब फाइनली बात कर ली जाए अपने उस चीज के बारे में जिसके लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, यानी कि अपने रॉयल रंबल मैचेस के बारे में। तो शुरुआत वुमेन से कर ली जाए, देन अभी तक सिर्फ बेकी लिंच, नाया जैक्स, बेली एंड बियांका बेलर का ही नाम ऑफिशियल हुआ है, यानी कि गाइस एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले, कई सारे लेजेंड्स का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, और नायोमी एंड साशा बैंक्स का भी नेम निकल कर आ रहा है कि वो हमें वापस आते हुए दिख सकती है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में। बट हां, बात कर ली जाए आखिर जीत कौन सकता है इस साल का वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, तो मैं दो नेम को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं। सबसे पहला नेम तो है बेली का एंड सेकंड है बेकी लिंच का, और इसके पीछे रीजन ये है कि बेली वर्सेस इयो स्काई एंड रिया रिपली वर्सेस बेकी लिंच का मैच दोनों ही रूमर्ड है रेसलमेनिया 40 के लिए। बट हां, फिर भी अगर मुझे किसी एक नेम को चुनना रहेगा, देन मैं यहां पर चुनना चाहूंगा दी मैन बेकी लिंच को, कि वो जीतने वाली है इस साल का वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। और रीजन साफ है कि बेकी लिंच ने कहा है कि लोगों को रॉन्ग प्रूव करना है कि रिया रिपली उनसे बेटर है, और ऐसा करने के लिए उन्हें रिया रिपली से रेसलमेनिया में टाइटल लेना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें जीतना पड़ेगा रॉयल रंबल मैच। इसलिए वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीतने के तो बेकी लिंच के चांसेस है, बट बात कर ली जाए अपने मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में, देन गाइस कोडी रोड्स, सीएम पंक, सिंस्के नाकामुरा, बॉबी लेस्ली, ड्रू मैकएंटायर, गुंथर, डैमियन प्रीस्ट एंड कोफी किंगस्टन का नाम पहले से ही हो चुका है ऑफिशियल। और इस वीक के रॉ में हमें कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का एक काफी ज्यादा पर्सनल प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जिसके बाद फैंस और भी ज्यादा हाइप्ड अप हो चुके हैं रॉयल रंबल मैच के लिए। एंड यस, रॉ से हमें यह भी पता चला कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड तो है, लेकिन वो अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं करने वाले, बिकॉज वो अपनी चैंपियनशिप डेफिनेटली से डिफेंड करने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। यानी कि गाइस, सेथ रॉलिंस का नेक्स्ट मैच हमें रेसलमेनिया 40 में ही देखने को मिलने वाला है, जहां पर वो डिफेंड करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। बट सवाल यही है उनका चैलेंजर कौन होगा, जिसकी वजह से सभी की निगाहें रहने वाली है मेंस रॉयल रंबल मैच पर ही। वहीं सरप्राइज नेम तो भाई कई सारे रूमर्ड है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, बिगी, अंड्राडे एंड और भी कई सारे, लेकिन विनर
के बारे में बात कर ली जाए देन तीन नेम सबसे टॉप पर चल रहे हैं। सबसे पहले है कोडी रोड्स, दूसरे है सीएम पंक एंड थर्ड है दी रॉक। अब सीएम पंक का नेम इसलिए रूमर्स में चल रहा है बिकॉज उनका एंड सेथ रॉलिंस का मैच रूमर्ड है रेसलमेनिया 40 में, वहीं इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि हमें रोमन रेंस अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेसलमेनिया 40 में या तो दी रॉक के अगेंस्ट करते हुए दिखने वाले डिफेंड या फिर कोडी रोड्स के अगेंस्ट, इसलिए इन दोनों के रॉयल रंबल जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। वहीं बात कर ली जाए उस सरप्राइज के बारे में जो कि मैं आप सबको बोल रहा था कि हमें अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच के बाद देखने को मिल सकता है, और वो है गाइस दी रॉक का रिटर्न। सो इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि रॉक हमें पार्ट रहते हुए दिखने वाले हैं रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट का, भले ही वो रॉयल रंबल मैच का पार्ट हो या फिर मैच के बाद आकर रोमन रेंस को करे कन्फ्रंट। एंड अगर रॉक कन्फ्रंट करने वाले रोमन रेंस को देन ये बात साफ है कि हमें सीएम पंक के जीतते हुए दिखने वाले हैं मेंस रॉयल रंबल मैच। बट गाइस हमें कोडी रोड्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज इस बार वो WWE 2K24 के कवर पोस्टर पर रहने वाले। वहीं 2K24 वालों ने एक चेकलिस्ट निकाला है कोडी रोड्स का जिसमें बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ टाइटल जीतना और अपनी स्टोरी करना फिनिश, और 2K24 गेम का इस बार थीम ही रहने वाला है फिनिश दी स्टोरी वाला। तो अगर WWE गेम की सेल बढ़ाना चाहती है देन गाइस कोडी रोड्स हमें फिर से जीतते हुए दिख सकते हैं रॉयल रंबल मैच एंड वो चुनते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को। नहीं तो ये भी हो सकता है कि हमें रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनते हुए दिख जाए और कोडी रोड्स उन्हें पिक करते हुए दिखे, फिर रोमन रेंस वर्सेस दी रॉक के बीच रेसलमेनिया में एक नॉन टाइटल के लिए हमें मैच देखने को मिले। बट फिर भी मुझे अगर इन तीनों में से किसी एक नाम को चुनना रहेगा देन मैं यहां पर चुनना चाहूंगा सीएम पंक को, बिकॉज गाइस सीएम पंक के पास बस एक ही वे है सेथ रॉलिंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोडी रोड्स और दी रॉक के पास और भी कई सारे तरीके जिससे वो रोमन रेंस को कर सकते हैं चैलेंज, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन तो सीएम पंक के लिए ही है। अब लेट्स सी कि आखिर कौन जीतता है इस साल का मेंस रॉयल रंबल मैच। वैसे आप सब चारों मैचेस की प्रेडिक्शन तो नीचे कमेंट कर बताना ही बताना, स्पेशली मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के जरूर से बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।